इंसान है वो हम। इसी तरीके से जब नमाज हो जाए तो उसके बाद दुआ करना भी एक मोमिन के लिए मसलों आवर है, और फर्ज नमाज से बात का जो वक्त है ये दुआ की कबूलियत का इंतहाई महत्वपूर्ण वक्त है। इसलिए चाहे इंसान इंफरादी तौर पर हो या इज्तमाही तौर पर हो, फर्ज नमाज के बाद के वक्त को बिल्कुल एक जाया करें। इसी तरीके से बात की कि जिन फराइज के बाद सुनते हैं जैसे ईशा के बाद है, शोहर के बाद है, मगरिब के बाद है, जिन फराइज के बाद सुनते हैं तो उन फराइज के बाद लंबी दुआ नहीं करनी चाहिए, अक्सर दुआ कर ले। तो जब सुनतों से नवाफिल से फारिग हो जाए तो तसल्ली के साथ अपनी दुआएं और तस्बीहात पूरी करें। उसके बाद तसल्ली के साथ बैठकर इंसान दुआ करे, जैसे हमारे यहां देखते हैं कि बदर और असर के बाद हजरत वो मुकलियों की तरफ रुख कर देता और गर्द बात के अंदर वक्त लगता है। ये सारी चीजें सुंदर करती है और मरद हर इंसान को नमाज के बाद कुछ न कुछ तस्बीहात और दुआओं का इस्तेमाल करके हर आदि करना चाहिए। हदीस के अंदर पांच मसलों और आपका तस्बीहात भी आता है कि फर्ज नमाज के बाद एक मुसलमान को चाहिए कि वो ये दुआएं ये तस्बीहात पढ़ें। जैसे मुस्तहब है इस्तेफार का बड़ा महबूब तरीका है, सब के रूपाओं इसी तरीके से भगवान के फर्ज नमाज के बाद आए जो खुशी तुम्हारे पाप की आदत भी है और इंसान की हिफाजत के लिए एक बड़ा मसलूक और जानदार अमल है। हर मुसलमान पर तवाजत को याद होनी चाहिए। ये आयत की कुर्सी जो है अल्लाह गोल्डन कानून से लेकर मोहम्मद अली नाजी तक हर नमाज के बाद इंसान इसका भी एहतमाम करें। इसी तरीके से फरमाया कि एक मरतबा सुबह इखलास, एक मरतबा सुबह इबादत और एक मरतबा सुबह इखलास। तो आखिर के तीन कोई है सुबह इखलास, सुबह इबादत और सुबह इखलास के लिए कोशिश करें कि एक मरतबा इसको भी पढ़ें। और इसी तरीके से फराइज के बाद एक मसनून और बहुत ही महबूब आमल वो तस्बीहात पाबंदियां अदा होता है। तस्बीहात पाबंदियां आप जानते हैं कि 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। क्योंकि ये वो कलिमात है जो खुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने महबूब साहबजादी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा को सिखाए थे। और उस मौके पर सिखाए जब उन्होंने आपसे फरमाया कि मेरे हाथों में काम काज की वजह से सभी पैदा हो गई गलते हुआ है, तो अगर अब आपके पास कोई फातिमा आए, कोई माती आए, क्योंकि आपका मालूम था कि अगर मजावाद से मुख्तलिफ जगहों से बना माती आते थे तो आप उनको सहारों पर सीख फरमा देते थे। तो उन्होंने आपसे इसकी अगर अभी आपके पास कोई माती आए तो बतौर फातिमा के आप पर ये ले लीजिए, इससे सहाबा के अंदर गुलामों और बांदियों को तकसीम किया लेकिन उनमें आपकी साहबजादी शामिल नहीं थी, उनकी बारी अभी तक नहीं आई थी। एक दूसरे के लिए एक सिलारहमी का मिजाज, हमदर्दी का मिजाज। और आज जैसे हमारे अंदर हिर्स का गलबा है, हम ये तमा और लालच रखते हैं कि भाई पहले अपने लिए हो, मैं अपने लिए बना लूँ, औलाद के लिए बना लूँ,
अपने आप को अपने वालों को पहले नवाज दूँ, लेकिन इस मुबारक दीन का ये मिजाज नहीं है दोस्तों। बल्कि हर उस शख्स को देखा जाता है कि जिसकी ज़रूरत ज़्यादा है, जिसकी खिदमात ज़्यादा है, जिसकी मेहनत ज़्यादा है, उनको आप अलैहिस्सलाम तरजीह देते। लेकिन जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने आपसे अर्ज़ की कि मुझे कोई खादिमा मिल जाए ताकि वो घर के काम काज में मेरी इआनत कर ले, मुझे ज़रा आसानी हो जाए, तो बावजूद इसके कि आप अलैहिस्सलाम को उनसे बे इंतहा मोहब्बत थी, अकीदत थी, बड़ा इकराम फरमाते थे, लेकिन आपने क्या फरमाया? फरमाया, बेटी अगर मैं आपको इससे ज़्यादा एक महबूब अमल बता दूं तो आप उसको कबूल कर लेंगी? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, ज़रूर बताएं। आपने फरमाया, तुम हर फर्ज नमाज के बाद इस 100 के अदद को पूरा कर लिया करो, 35 मरतबा सुबहानअल्लाह, 35 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। चूँकि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा को आपने ये वजीफ़ा बराह रास्त तलकीन फरमाया, इस वजह से इसकी नस्बत मशहूर हो गई कि ये तस्बीहात फातिमिया हैं, इस वजह से। बाकी ऐसा नहीं है कि इनका नाम ये है। इसी तरीके से इस ज़मन में ये बात भी हम सबको समझनी और याद रखनी चाहिए कि ये कलिमात आपने अपनी साहबजादी को किस मौके पर सिखाए, जब उन्होंने शिकायत की कि मैं काम करके थक जाती हूँ, तो आपने बजाय कोई खादिमा और मुआविन देने के उनको ये कलिमात सिखाए। मालूम हुआ कि एक इशारा है इसमें, वो इशारा ये कि ये वो मुबारक कलिमात होंगे कि जो इसको पढ़ेगा और यकीन के साथ पढ़ेगा तो उसको जिस्मानी राहत मिल जाएगी। इसीलिए उलमा ने ये नुक्ता लिखा है यहाँ पर कि वो शख्स जो बहुत ज़्यादा ऐसे काम में रहता हो जिसमें थकावट ज़्यादा हो, इश्तगाल ज़्यादा हो। नमाज से मुतालिक एक मसला ये भी लिखा है और ये अहम मसला है कि इंसान जब नमाज की नियत करे तो ज़रूरी है कि तकबीर तहरीमा से पहले पहले उसकी नियत कर ले। देखें, बात सुने समझे। आजकल चूँकि बहुत ज़्यादा इंसान का दिमाग इधर उधर घूम रहा होता है, एक तो वो नमाज है जो हम जमात से पढ़ते हैं, घर से जब निकले तो दिमाग में यही था कि ईशा पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है, इसी नियत से आए, फिर चाहे मैंने ज़बान से नहीं बोला लेकिन अल्लाहु अकबर कह दिया तो वो कौन सी नमाज हो रही है? वो ईशा की हो रही है, इसलिए कि मैं उसी नीयत से घर से निकल आया था। लेकिन अगर कोई शख्स बिलफर्ज अकेले नमाज पढ़ रहा है, खुदा न खास्ता किसी की ईशा निकल गई थी, फजर निकल गई, असर निकल गई, कोई भी नमाज निकल गई, और ये शख्स इसको जहन में था कि मुझे तो नमाज पढ़नी है, लेकिन इतना दुनियावी कामों के अंदर मशगूल है कि बस एहसास नहीं हुआ, अब वजू किया, खड़ा हुआ, दिमाग में कुछ ध्यान नहीं है कि असर है, जोहर है, ईशा है, बिल्कुल दिमाग इधर उधर हुआ हुआ है और हो जाता है आज, और कुछ समझ ना आते हुए बस ऑटोमेटिक अल्लाहु अकबर कह दिया, फिर अचानक जैसे वो हुआ कि भाई कौन सी वाली नमाज है, फिर कहा असर की, असर की, अल्लाह अकबर तो कह चुका है ना एक दफ़ा, अब उसको बराबर करने के लिए अपने दिल दिमाग में बार बार ला रहा है कि ये कौन सी है, असर की। लेकिन अब देखिए, नियत बाद में और तकबीर तहरीमा पहले हो चुकी है। तो याद रखें, आसान सा मसला है तो कभी परेशानी नहीं होगी। जब भी तकबीर तहरीमा आपने कर ली, हाथ बांध दिए और नियत का तसव्वुर बाद में लाएंगे तो यकीन कर ले कि अब नियत का फायदा नहीं हो सकता, इसलिए कि नियत मुकद्दम है, तकबीर तहरीमा उसके बाद है। लिहाजा अगर ऐसा किया तो नमाज को उसी वक्त तोड़ें और नियत ताज़ा करके फौरन अल्लाहु अकबर कह दें। बात समझ गए दोस्तों, ये बात समझ में आ गई? तो इसलिए इंसान जब नमाज के लिए खड़ा हो तो जिस वक्त की नमाज है, फिर ये भी कोशिश करें कि फ़र्ज है या सुन्नत है या वितर है या नफिल है, उसको भी दिमाग में ले। एक इसके ज़िमन में एक बारीक सा मसला,
तकबीर तहरीमा में हाथ कहाँ तक ले जाने दोस्त, और बांधने कहाँ हैं, नाफ के नीचे, और ऊपर से नीचे तक जब हाथ लाएंगे तो इस बीच में क्या पढ़ना है, अल्लाहु अकबर पढ़ना है। अब यहां तक हाथ थे, दिमाग कहीं उलझा हुआ है, कहा अल्लाहु अकबर, अभी बांधे नहीं और अल्लाहु अकबर का कलमा पूरा नहीं हुआ, और इस बीच में जो वक्फा है अल्लाहु अकबर के बीच का, इस बीच में नियत को सही कर लिया। बात समझ में आ रही है, बारीक सा मसला है लेकिन आसानी के लिए समझना चाहिए। तो फुकहा ने लिखा है कि तकबीर तहरीमा अगर अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, अल्लाहु अकबर मुकम्मल नहीं हुई थी और इस शख्स ने अपनी नियत को दुरुस्त कर लिया, तो वो भी कारामद है, नमाज हो जाएगी। ये मसला किस किस को समझ में आ गया, सबको आ गया, समझ गए दोस्तों। इसी तरीके से एक अहम मसला, वो आजकल ज्यादा है, कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने का मसला है। बारहा पहले भी आ चुका है, अब तो माशाल्लाह साथी इसको समझते भी हैं। एक बात तो देखें, ये बिल्कुल वाज़े है कि नमाज के अंदर क़याम फ़र्ज़ है। क़याम किसको कहते हैं, खड़े होने। जो बंदा खड़े होकर नमाज पढ़ सकता है, खड़े होकर रुकू में जा सकता है, खड़े होकर कौमा कर सकता है, खड़े होकर सजदे में जा सकता है, खड़े होने के बाद कायदा कर सकता है, यानी एक नॉर्मल आदमी जैसे होता, तो ऐसा बंदा अगर बगैर उजर के, कोई उजर नहीं था, सुस्ती मस्का, आज थक गया हूं, खास तौर पर ये चोरी हमारी मस्तूरात में बहुत होती, वो थोड़ा सा भी मौका मिले रास्ता में, आज काम ज्यादा हो गया, आज बैठ के पढ़ ले, हम भी डीले हो जाते। याद रखें कि सिर्फ सुस्ती की वजह से, सर दर्द की वजह से, हल्के पुल्के कमर दर्द या पैर दर्द की वजह से, ये मजाक नहीं है कि आप खड़े होने की हालत जो फर्ज है नमाज के लिए उसको इस तरह छोड़ दें। लिहाजा जो बंदा, जो मर्द और औरत बालिग, फर्ज नमाज को खड़े होकर पूरा करने पर कादिर हो, वो खड़े होकर ही नमाज शुरू करेगा और पूरा करेगा। बात समझ में आ गई। दूसरी सूरत यह है कि अगर बिलफर्ज उजर है, तकलीफ है, बुढ़ापा है, या कोई जिस्मानी चोट है जिसकी वजह से बंदा क़याम नहीं कर सकता, खड़ा नहीं हो सकता नमाज पढ़ने के लिए, कि खड़ा हो जाएगा तो फिर रुकू में नहीं जा सकेगा, फिर कोई उसको सहारा देने के लिए चाहिए, नहीं हो सकता, लेकिन ये बंदा ज़मीन पर बैठ करके नमाज पढ़ सकता है, ज़मीन पर बैठ करके नमाज शुरू कर सकता है, उसी में रुकू करेगा, उसमें पूरा सिजदा कर सकता है, सब चीज़ें कर सकता है। तो जो बंदा नमाज ज़मीन पर फिर बैठ के पढ़ सकता है, इसके लिए भी जायज़ नहीं है कि ये वो ज़मीन वाली नमाज छोड़ करके कुर्सी पे आ जाए। बात समझ गए। तीसरी सूरत यह है, जैसे आजकल बाज़ अमराज और दर्द बहुत ज़्यादा आम हो गए, कमर दर्द है, जोड़ों के दर्द है, और ऐसे हो गए कि शायद क़याम तो फिर भी कुछ ना कुछ आसान होता है लेकिन ज़मीन पर बैठना मुश्किल हो जाता। ऐसी सूरत जब मजबूरी की पेश आ जाए कि एक आदमी न खड़े होकर के अपनी पूरी नमाज पढ़ सकता है, न ज़मीन पर वो बैठ करके नमाज पूरी पढ़ सकता है, ये उज़र का तीसरा दर्जा होगा। ऐसी सूरत के अंदर अब ये जो नमाज हुई, ये अगर कुर्सी पर या किसी भी बैठने वाली चीज़ पर, इसके लिए कुर्सी खास नहीं है, अगर आपके घर में पलंग साफ पाक है वो भी सही है, स्टूल है वो भी सही है, कोई पत्थर पड़ा हुआ है वो भी सही है, जिस पे इंसान बैठ जाए और वो बैठकर फिर नमाज पढ़ ले, तो इस शख्स के लिए तीसरे दर्जे के अंदर गुंजाइश है। कब तक, जब तक ये उज़र इसका चल रहा है, लेकिन कुछ वक्त के बाद तबीयत अगर बेहतर हो गई, अब इसको महसूस हुआ, जैसे आजकल बुखार चल रहा था, एक अल्लाह पाक सबको शिफा नसीब फरमाए, अगर वो बुखार निकल गया, जोड़ों के हड्डियों के दर्द बेहतर होने लगे, तो ये नहीं है कि यार कुर्सी में तो बड़ा मज़ा है यार, इमाम साहब की इतनी लंबी तिलावत है तो बड़ी राहत थी, नहीं,
जैसे ही उजर सही हुआ, अब आपने कुर्सी छोड़नी होगी। बात समझ में आ गई? तो कुर्सी का उजर जब तक लगा हुआ है कुर्सी पे पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें एक तो इस बात का बहुत ख्याल रखें कि रुकू और सजदा जो बंदा कुर्सी पर बैठ के कर रहा है वो दोनों में फर्क करेगा। नहीं समझे बात को? रुकू के अंदर जितना झुका है सजदे में उससे ज्यादा झुकेगा। बाज दफा इसके उलट हो रहा होता है दोस्तों, रुकू में तो इतना आ जाता है लेकिन सजदे के अंदर ये मुझे कई अहबाब ने कहा कि हमारी एक आदत सी हो गई है कि हम रुकू में ज्यादा झुक जाते हैं और सजदे में कम झुक जाते हैं। याद रखिए नमाज अदा नहीं होगी इस सूरत, इसलिए रुकू में जिस कदर झुका है जब सजदे में जाएगा तो उससे ज्यादा झुकेगा, ठीक है। और इसी तरीके से कुर्सी पर नमाज पढ़ने वाला भी उन मसनून तस्बीहात का ख्याल रखेगा जो बाकी खड़े होने वाला या जमीन पर बैठने वाला का। ये नहीं है कि कुर्सी की वजह से तस्बीहात भी कम हो गए, अब एक एक दफा पढ़ के शॉर्ट करके उससे उसको खत्म कर रहा है। तो बहरहाल इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और अगर किसी का कुर्सी का उजर हो जाए तो ये भी समझ लें कि मजबूरी हो गई, तो फिर अपने ऊपर जबर भी ना करें। बस दफा ये होता है कि इंसान को लगता है यार अब मैं सारी जिंदगी क्या कुर्सी में पढ़ूंगा, तो अजीब हो गया, परेशान हो, तो नहीं मैं खड़े होकर ही पढ़ूं। अब जोर लगा रहे, नतीजा ये हुआ कि न खड़े होकर न बैठकर न कुर्सी के रहे, घर पे बिस्तर पे हो। इसलिए जहां शरीयत रुख्सत दे रही है, इजाजत दे रही है, इंसान उसको इस्तेमाल करे। और अल्लाह पाक को ये पसंद है कि बंदा अल्लाह की तरफ से मिलने वाले रुख्सत को इस्तेमाल कर ले। जैसे सफर के अंदर हम जाते हैं तो भाई आप सब जानते हैं कि जो सफर सफर शरई हो 78 किलोमीटर या उससे जायद का सफर है तो और 15 दिन से कम का है, तो अगर कहीं अकेले नमाज पढ़ने की नौबत आई या पूरे जमात है मुसाफिरीन की है तो उनके लिए 4 रकात वाली फर्ज कितनी हो जाएगी? 2 रकात, जिसको कसर कहते हैं। अब बस दफा इंसान सोचता है यार टाइम तो है, गाड़ी तो 1 घंटा रुकी हुई है, बजाय 2 के 4 पढ़ लेते शायद ज्यादा अजर मिलेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। मुसाफिर के लिए कसर ही मुतायन है, कसर ही करेगा। इसलिए एक सफर में सहाबा इकराम जा रहे थे, एक सहाबी ने ऐसा करने की कोशिश की तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला, फरमाया हाजिही सदकतुन तसद्दक अल्लाह बिहा अलैकुम फक्बिलू सदकत। फरमाया अल्लाह के बंदे ये तो अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है, एक सदका आसानी दे दी, और लिहाजा अल्लाह के इस एहसान और सदके को तुम कबूल करो। इंसान अपने जज्बात को अल्लाह के हुक्म और शरीयत के हुक्म से आगे नहीं लाएगा, तो जहां शरीयत रुख्सत देती है इंसान उस पर बिला तकल्लुफ अमल करे और शुक्र भी अदा करे कि भाई कम से कम इस दर्जे में तो अमल कर रहा हूं, इतना तो कर सकता हूं। अल्लाह करीम मुझे भी आप सबको सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन सय्यदिना। صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه।